फेमिना मिस इंडिया के इस इवेंट पर सबकी नजर जहां इस बात पर थी कि इस बार के मिस इंडिया का खिताब किसके नाम होगा, उसके साथ ही बॉलीवुड के स्टार्स की परफॉर्मेंस को लेकर भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मिस इंडिया 2018 का खिताब तमिलनाडु के अनिकृत वास के नाम रहा। वहीं मिस इंडिया के नाम का ऐलान करने से पहले ही बॉलीवुड की हसीनाओं ने ठुमके भी लगाकर महफिल में खूब रंग जमा दिया। सबसे पहले बात करते हैं माधुरी दीक्षित की। धकधक गर्ल माधुरी के ठुमको और उनकी कातिलाना अदाओं ने शो पर चार चांद लगा दिया और उनका साथ बेबो यानी करीना ने अपने जलवे बिखेर कर दिए। करीना कपूर अपनी ही फिल्म वीरी दी वेडिंग के सुपरहिट सॉन्ग तारीफा पर परफॉर्म करती नजर आईं। करीना और माधुरी के परफॉर्मेंस को देखकर मैडम जैकलिन भी पीछे नहीं रही। उन्होंने रेस 3 के गानों पे परफॉर्म कर मानो महफिल ही लूट ली। मिस इंडिया 2018 के इस खास मौके पर आयुष्मान खुराना और करण जौहर की जोड़ी ने अपनी एंकरिंग से ऑडियंस को खूब एंटरटेन भी किया। अब अगर बात परफॉर्मेंस और एंकरिंग की हो रही है तो मिस इंडिया चुनने वाले जजेस की बात कैसे ना हो। मिस इंडिया 2018 के जज पैनल में एक्ट्रेस मलाइका अरोरा खान, अभिनेता बॉबी देओल, कुणाल कपूर और क्रिकेटर इरफान पठान के साथ ही केएल राहुल भी शामिल हुए। तमिलनाडु के रहने वाली 19 साल की अनिकृत वास को मिस इंडिया का ताज खुद मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के हाथों से पहनाया गया। मिस वर्ल्ड 2019 की रेस में जल्द ही मिस इंडिया बनी अनिकृत वास का जलवा देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर। फेमिना मिस इंडिया के इस इवेंट पर सबकी नजर जहां इस बात पर थी कि इस बार के मिस इंडिया का खिताब किसके नाम होगा, उसके साथ ही बॉलीवुड के स्टार्स की परफॉर्मेंस को लेकर भी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड थे। मिस इंडिया 2018 का खिताब तमिलनाडु के अनिकृत वास के नाम रहा। वहीं मिस इंडिया के नाम का ऐलान करने से पहले ही बॉलीवुड की हसीनाओं ने ठुमके भी लगाकर महफिल में खूब रंग जमा दिया। सबसे पहले बात करते हैं माधुरी दीक्षित की। धकधक गर्ल माधुरी के ठुमको और उनकी कातिलाना अदाओं ने शो पर चार चांद लगा दिया और उनका साथ बेबो यानी करीना ने अपने जलवे बिखेर कर दिए। करीना कपूर अपनी ही फिल्म वीरी दी वेडिंग के सुपरहिट सॉन्ग तारीफा पर परफॉर्म करती नजर आईं। करीना और माधुरी के परफॉर्मेंस को देखकर मैडम जैकलिन भी पीछे नहीं रही। उन्होंने रेस 3 के गानों पे परफॉर्म कर मानो महफिल ही लूट ली। मिस इंडिया 2018 के इस खास मौके पर आयुष्मान खुराना और करण जौहर की जोड़ी ने अपनी एंकरिंग से ऑडियंस को खूब एंटरटेन भी किया। अब अगर बात परफॉर्मेंस और एंकरिंग की हो रही है तो मिस इंडिया चुनने वाले जजेस की बात कैसे ना हो। मिस इंडिया 2018 के जज पैनल में एक्ट्रेस मलाइका अरोरा खान, अभिनेता बॉबी देओल, कुणाल कपूर और क्रिकेटर इरफान पठान के साथ ही केएल राहुल भी शामिल हुए। तमिलनाडु के रहने वाली 19 साल की अनिकृत वास को मिस इंडिया का ताज खुद मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर के हाथों से पहनाया गया। मिस वर्ल्ड 2019 की रेस में जल्द ही मिस इंडिया बनी अनिकृत वास का जलवा देखने को मिलेगा। बॉलीवुड की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी जरूर।